इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल अगर इनका टाइप्स की बात करें, इनके प्रकार के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक दोस्तों, हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग सीखते हैं। ठीक, ये उत्तल लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस का उपयोग कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। बात समझ में आ रही है, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ध्यान दीजिए, जो दोस्तों दूर दृष्टि दोष होता है, अभी हमने बताया था एक वीडियो में दूर दृष्टि दोष है क्या, दोस्तों जो दूर दृष्टि दोष होता है उसी के निवारण में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ऐसे दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो ऐसे दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक, किस लेंस का, उत्तल लेंस। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अगले पॉइंट में क्या कहता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ये कहता है इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि प्रकाशिक यंत्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सही बात, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि प्रकाशिक यंत्रों के निर्माण में इसका अच्छा खासा उपयोग होता है। फिर दोस्तों कहता है आँख व कान की बीमारी का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर इस लेंस का उपयोग करते हैं। कभी कभी दोस्तों हम लोग देखते हैं, हम लोग आँख होती हैं, कान होते हैं, उसमें काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं, तो वहाँ पर जो दोस्तों डॉक्टर आँख या कान के अंदर जो मतलब कचड़े होते हैं उन्हें जब देखता है तो उसमें दोस्तों जो लेंस लगे हो तो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं अवतल लेंस के उपयोग के बारे में। दोस्तों यदि बात करें अवतल लेंस के उपयोग के बारे में, तो अवतल लेंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक, यानी कि यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस अवतल लेंस का उपयोग कैसे कहाँ पर किया जाता है, इसके अभी हम लोग सीख पाए उत्तल लेंस का उपयोग। अब हम लोग जानते हैं अवतल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग दोस्तों निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष आप समझ गए होंगे, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु तो सही दिखाई देगी, दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई देगी। ठीक, तो इस चीज के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अच्छा, गैलीलियो की दूरदर्शी में इसका अच्छा खासा उपयोग होता है। किसका, अवतल लेंस का। दोस्तों गैलीलियो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था और उस सूक्ष्मदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कहता, खगोली दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंडियों को देखने के लिए किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, जो आकाश में पिंड होते हैं, जो ब्रह्मांड होते हैं, तारे होते हैं आकाश में, छोटे छोटे जो दोस्तों पिंड उपस्थित होते हैं, खगोली दूरदर्शी का उपयोग इन आकाशीय पिंडियों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग के बारे में सीख पाए। इसके बाद हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर, धन्यवाद।